अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सैयद फिरदौस अली आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ वो है हेल्दी एंड टेस्टी वेज पुलाव। तो आइए हम बनाते हैं वेज पुलाव। आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी अंकुरित पुलाव। देखिए, मैंने वेज पुलाव बनाने के लिए अंकुरित मूंग लिए हैं 1 कप, आधा कप मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, 1 कप मैंने गाजर ली है। अब इन तीनों को मैं उबाल लूँगी थोड़ी देर। मैंने 1 गिलास इतना पानी लिया है, उसमें मैंने अंकुरित मूंग मटर और गाजर उबलने रख दी है। इसको 5 मिनट के लिए मैं उबलने दूंगी कि थोड़े से नरम हो जाए। सारी सब्जियां उबल रही हैं, जब तक मैंने ये चावल लिए हैं 2 कटोरी, इन्हें भी मैंने धो के पानी में भिगा दिए थे, अब इन्हें भी मैं उबालने रख दूंगी। देखिए, ये हमारे वेजिटेबल उबल गए हैं, ये मैंने निकाल लिए हैं छान कर एक बाउल में। कि मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी है, अब उसमें मैंने 2 टेबल स्पून इतना तेल डाला है, कुकिंग ऑइल। अब हम पुलाव का, वेज पुलाव का बघार तैयार करेंगे। तेल को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून शाहजीरा लिया है। ये तीनों चीज़ों को हम डाल देंगे। तेल में इसको अच्छी तरह से हो जाने देंगे। फिर हम डालेंगे, मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी है वो डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ी ब्राउन हो जाने देंगे। देखिए, मेरी प्याज ब्राउन हो गई है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टी स्पून इतना अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज में। देखिए, अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1 टेबल स्पून इतना पानी डाल के भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम मसाले में। अब ये मसाला थोड़ा और 1-2 सेकंड भुना जाए, उसके बाद हम सारी वेजिटेबल डालेंगे इसमें। अब सबसे पहले डालूंगी मैं पत्ता गोभी, 1 कप पत्ता गोभी और 4 हरी मिर्च ली है मैंने, वो डाल दूंगी मैं। इसको अच्छी तरह से मसाले में होने देंगे हम। पत्ता गोभी थोड़ा मसाले में अच्छी तरह से भुना गया है, इसका कच्चापन खत्म हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें, मैंने 1 कटोरी टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर वो काट के डाल रही हूँ मैं। उसको भी थोड़ा अच्छा भून लेंगे। कि देखिए, टमाटर पत्ता गोभी अच्छी तरह मसाले में हो गए हैं। अभी जो हमने वेजिटेबल उबाल के रखे हैं फ्रोजन मटर गाजर, ये हम सब डाल देंगे और अंकुरित मूंग, और इनको भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। कि हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुकी है, सब इसमें मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैंने ये बाउल में चावल उबाल के रखे हैं, अब ये मिला दूँगी मैं इसमें। देखिए, इस तरह से मैंने पूरी सब्ज़ियों को चावल में मिला दिया है, आप इस तरह से मिला दीजिए। अब ऊपर से आप इस पर हरा धनिया, थोड़े अनार के दाने और डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। झटपट सा हमारा हेल्दी और टेस्टी वेज पुलाव बनके तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा मज़ेदार वेज पुलाव बनके तैयार है, और इसमें अंकुरित मूंग है, मटर फ्रोजन मटर है, गाजर है, टमाटर है, ये सभी चीज़ हेल्दी है। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए आपके घर पर, और बहुत मज़ेदार पुलाव बना है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मज़ेदार हेल्दी पुलाव बनके तैयार है।